resting membrane potential. It is required for the normal functioning of the neuron. Resting membrane potential means nerve fibers are not transmitting any signal at this time. For a long nerve fiber, this resting membrane potential is minus 90 millivolt. Third point is potential is more negative inside the fiber than the outside. So students, हमें जो है यहाँ पे यही discuss करना है कि जो minus 90 millivolt है ये कैसे originate हुआ? What are the factors which contribute in this membrane potential? What are the factors which bring more negative charge inside the fiber than the outside? Let's proceed step by step. So students, सबसे पहले हम discuss करेंगे membrane potential में के ऊपर कि ये आया कैसे? What are the factors which brings this membrane potential? ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला देखिए हमारे पास है इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज ए आयनिक डिफरेंस प्रेजेंट आउटसाइड एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन. इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो है वोल्टेज प्रोड्यूस होती है. इट प्रोड्यूस वोल्टेज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सेकेंड जो हमारे पास फैक्टर है जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वो है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कंसिडर करिए, अगर पोटेशियम और क्लोराइड आयन है उसके लिए मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जीरो हो जाती है किसी भी टाइम पे, तो वहां पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयन को वो मेम्ब्रेन जो है वो कैरी है कि बाहर जाएगा इन और एंड द आउटसाइड. ओनली परमिएबल फॉर द सोडियम आयन. तो उस टाइम क्या होगा ये कि पूरा का पूरा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किसके कारण जनरेट होगा? सोडियम आयन के कारण जनरेट होगा. या फिर हम कंडीशन रिवर्स कर दें, लेट अस कंसीडर कि जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है वो सोडियम के लिए जीरो हो जाए, तो उस टाइम किसका कंट्रीब्यूशन होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल में? पोटेशियम का और क्लोराइड आयन का. तो यानी कि जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंसीडरिंग दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल. थर्ड जो है हमारे पास आता है मोर पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट आउटसाइड एंड द नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इनसाइड. जो हमारे पास नर्व फाइबर्स हैं उसमें सोडियम आयन जो है वो बाहर प्रेजेंट होता है जिसके कारण मेम्ब्रेन की ऊपरी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो पोटेशियम आयन्स हैं वो अंदर की तरफ प्रेजेंट हैं. दे ब्रिंग नेगेटिव चार्जेस. ओनली नॉट ओनली पोटेशियम आयन ब्रिंग नेगेटिव चार्जेस, जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक फास्फेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. एंड ये प्रोटीन और ऑर्गेनिक फास्फेट कैन नॉट क्रॉस दिस मेम्ब्रेन बिकॉज मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल फॉर दिस प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक फास्फेट. तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस नेगेटिविटी चार्ज और द नेगेटिव ऑफ द मेम्ब्रेन इनसाइड. जो फोर्थ फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है वो है चेंज इन द परमिएबिलिटी. ये चेंज इन द परमिएबिलिटी कब आएगा? ये फैक्टर तब ऑपरेट होता है जब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएंगी तो ये जो परमिएबिलिटी है सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए वो चेंज हो जाती है इन न्यूरोन्स. जबकि क्लोराइड आयन के लिए ऐसी कोई परमिएबिलिटी में खास डिफरेंस नहीं नोट किया गया, इसलिए जो न्यूरोन्स हैं उनमें क्लोराइड आयन इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करते जितना सोडियम और पोटेशियम आयन जो है ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बिकॉज परमिएबिलिटी जो है सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए काफी ज्यादा चेंज हो जाती है. तो स्टूडेंट, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो अब आपको ये पता चल गया इन फैक्टर्स के बारे में. तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में बात की हमने. अब हम बात करते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कैसे आया. इसमें देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दो आयन हैं. अब आपको ये पता चल गया कि सोडियम और पोटेशियम आयन प्ले मेजर रोल इन न्यूरोन्स और नर्व फाइबर्स. तो इसमें जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि जैसे सोडियम है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर ज्यादा है और अंदर की तरफ कम, जिसके कारण क्या होगा? ये बाहर से हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन आएगा थ्रू द डिफ्यूजन. तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब पॉजिटिव चार्ज जो बाहर से आ रहा था वो अंदर आ रहा है, तो अंदर भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है सोडियम आयन के बाहर से अंदर की तरफ आने पे. तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब क्या होगा कि जो ऊपर का पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अपोज करना शुरू कर देगा अंदर के अपोजिट
अंदर के पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि देखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो वो उसको पॉजिटिव नहीं होने देगा। यानी कि जो सोडियम है उसके ऊपर दो फोर्सेस ने काम करना शुरू किया, एक तो था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। तो इसने नेट मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन क्या कर दी, स्टॉप कर दी, जिसके कारण एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे हम कहते हैं उस आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आ जाएगा वो उस सोडियम आयन का। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है, सोडियम आयन जो है वो लेस कंट्रीब्यूट करते हैं इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि जो सोडियम आयन चैनल्स हैं वो एज कम्पेयर टू पोटेंशियल आयन चैनल वो काफी कम है न्यूरोन मेम्ब्रेन के ऊपर। वेयर एज अगर हम पोटेशियम के बारे में बात करें, देखिए मेम्ब्रेन जो नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन है वो 100 टाइम मोर परमिएबल है फॉर द पोटेशियम आयन देन द सोडियम। तो पोटेशियम आयन भी डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ जाने लग जाएगा बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या होगा, इसके ऊपर भी सिमिलरली दो फोर्सेस काम करेंगे और जो इसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू है -90 mV, इसमें सोडियम आयन का जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो लेस कंट्रीब्यूट करता है देन द पोटेशियम आयन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम आयन का। देखिए और सेकंड जो हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है जो इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है कि बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसको मेंटेन करके रखता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप में देखिए क्या होगा कि 3 सोडियम आयन बाहर निकलते हैं और 2 पोटेशियम आयन जो है अंदर मूव करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 2 पोटेशियम के लिए 3 सोडियम आयन बाहर निकल रहे हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया और अंदर क्या छोड़ दिया, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यानी कि अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर नेगेटिविटी इनसाइड द फाइबर देन द आउटसाइड, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस -90 mV, एंड सेकेंड नर्व फाइबर्स नो ट्रांसमिटेड सिग्नल एट दिस टाइम, क्योंकि जो आयन्स है वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल मेंटेन कर लेते हैं इस टाइम पे, इसलिए जो मेम्ब्रेन है वो नर्व सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसमिट नहीं करती। तो ये था स्टूडेंट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल विल बी डिस्कस इन द सेकेंड वीडियो विद द एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व फाइबर्स।